अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जिस तरीके से हमने कल का लेक्चर दिया था, तो आज हम वहाँ से ही शुरू कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स से सॉल्व होंगे, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट्स स्पीड बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, फाइंड हाउ मच फर्दर इट कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूम डेसेलरेशन इज यूनिफॉर्म। देखें, ये जो न्यूमेरिकल है, ये दो पार्ट में सॉल्व होगा। दो पार्ट में कैसे सॉल्व होगा, आप देखें, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने ब्रेक लगाना शुरू किया है। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही हमने ब्रेक लगाई, तो लाजमी है हमारी ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये पॉइंट है जहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड। और इस दौरान जब उसकी स्पीड 20 से 10 हो गई, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। और आप अज्यूम करें कि आपकी ट्रेन यहाँ पे रुक रही है, तो आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला फासला कितना होगा, यानी इस पॉइंट के बाद आपकी ट्रेन और कितना मूव कर सकती है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक हम पहले ये पार्ट स्टडी करेंगे, फिर हम ये पार्ट करेंगे। ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, देखें, ये कितना है, डिस्टेंस आपको मिला हुआ है 100, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिली हुई है 20, फाइनल आपको मिली हुई है 10। यहां से आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगी, थर्ड इक्वेशन यूज होगी, 2as vf स्क्वायर माइनस vi। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस कितना है, 100 है, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। इनको हम जोड़ेंगे तो ये 200 ए हो जाएगा, ये 100 माइनस 400 होगा, ये 200 ए, ये माइनस का 300 होगा, फिर ए बराबर हो जाएगा माइनस 300 डिवाइडेड बाय 200, मींस माइनस का 1.5। अब आपको एक्सेलरेशन मिल गई, यानी पार्ट वन आपका सॉल्व हो गया। पार्ट टू अब आसान है। अब आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये आपकी फिर यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई है। और एक्सेलरेशन वो कह रहा है कि अज्यूम एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो जो एक्सेलरेशन आपने यहाँ निकाली है, वो एक्सेलरेशन आगे भी वही की वही रहेगी। यानी आपको एक्सेलरेशन मिली हुई है, और अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। अगेन आप ये सेम इक्वेशन यूज करेंगे। तो जब आप सेम इक्वेशन यूज करेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, और एक्सेलरेशन आपको कितनी मिली है, माइनस का 1/2। डिस्टेंस अब आपको फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 होगी, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो ये होगा माइनस का 3s, और ये होगा माइनस का 100। माइनस माइनस से कैंसिल होगा, एस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 33.33। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया था, एक पास पेपर में डेटा इसकी मिसिंग थी, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें डेटा थोड़ी सी मिसिंग है, हकीकी क्वेश्चन ये है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्वेश्चन देखें, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। इसमें ये लिखा गया है कि अ कार इज वेटिंग फॉर ट्रैफिक सिग्नल। कार जो है वो ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही थी। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ, द कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो कार रेस्ट से एक्सेलरेट हुई। कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर मैं इसका कंसेप्चुअल डायग्राम बनाऊं तो ऐसा है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, और ये आपकी कार थी। कार ने देखा कि भाई ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड लगा पड़ा है, तो कार ने
अपनी इंजन बंद कर दी या किसी भी तरीके से कार बिल्कुल स्टेशनरी थी। अब जैसे ही इसने देखा कि भाई ये ग्रीन हो गया है तो कार ने अपनी इंजन स्टार्ट की और एक्सेलरेट होना शुरू कर दिया, ठीक है। पर जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन हुआ उसी टाइम पे एक बस थी और बस जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पे आ रही थी वो पहले से ही ग्रीन था, तो लाजमी ये बस नहीं रुकेगी बल्कि चली जाएगी। तो होगा क्या, ये बस पहले आगे निकल जाएगी और कार इसके पीछे होगी क्योंकि कार अभी एक्सेलरेट हुई है। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कार इस बस को ओवरटेक कर सकती है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, अ कार इज वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 2 m/s² एट द सेम टाइम द बस इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। और ये बस की जो स्पीड है ये कांस्टेंट है और ये सिग्नल को क्रॉस करके चली गई है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने सेकंड के बाद ये जो कार है ये बस को ओवरटेक करेगी। अब हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे। देखें, आप सपोज करें इसकी एक्सेलरेशन ए है और इसकी वेलोसिटी यू है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग इस केस में मैं इक्वेशन लिखाऊंगा आप लोगों को, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो जो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग होगा उसका फार्मूला होगा टी इज इक्वल टू यू टू यू डिवाइडेड बाय ए। U क्या होगा, जो गाड़ी मूव करेगी उसकी स्पीड, A क्या होगा, जो गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट होगी उसकी एक्सेलरेशन। तो ये टाइम होगा ओवरटेक फाइंड करने का, ठीक है। तो ये आपको टाइम मिल गया और टाइम के बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है हाउ बियॉन्ड फ्रॉम द सिग्नल द कार विल ओवरटेक द बस। लाजमी है सपोज करें अगर यहाँ पे ओवरटेकिंग हुई है तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट का सिग्नल से कितना डिस्टेंस होगा, यानी सिग्नल से कितना आगे या ये पॉइंट सिग्नल से कितना जो है वो आगे होगी, यानी कितना आगे जाके ये बस जो है इस कार को ओवरटेक करेगी, तो उसको कहेंगे ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ओवरटेकिंग डिस्टेंस। ओवरटेकिंग डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होगा x इज इक्वल टू 2u² डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये जब कार इस बस को ओवरटेक करेगी तो उस टाइम इस कार की स्पीड क्या होगी। लाजमी है कार की स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना, बस की स्पीड कांस्टेंट है, बस की स्पीड चेंज नहीं होगी पर कार की स्पीड चेंज होती जाएगी। सो स्पीड ऑफ कार एट टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के दौरान स्पीड क्या होगी, तो उसका फार्मूला हमेशा याद रख लीजिएगा, उसका फार्मूला होगा 2u, मतलब जितनी स्पीड बस की होगी उसके डबल स्पीड हो जाएगी कार की एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो आई होप कि आपको ये सारे फार्मूले समझ में आ गए हैं। जब आपको ये फार्मूले समझ में आ जाएंगे तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो ये कार है और इस कार की एक्सेलरेशन कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और बस की जो कांस्टेंट स्पीड है उसको हम u से शो कर रहे हैं, कितनी दी गई है, तो 10 m/s दी गई है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम का फार्मूला मैंने बताया है 2u डिवाइडेड बाय a, 2u डिवाइडेड बाय a, तो 2 और u की जगह आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय a, यानी तो 10 सेकंड के बाद जो है वो ओवरटेकिंग होगी। तो हम ये अब देखें क्वेश्चन कितना आसान हो गया, पर आप ये ज़रूर याद रखिएगा कभी कभी क्या करेगा वो बस को स्टेशनरी कर देगा और कार को मूव करेगा। तो आप मेरी लॉजिक आप समझ गए हैं ना, तो लॉजिक आप हमेशा यूज़ करेंगे। हाउ बियॉन्ड फ्रॉम द सिग्नल द कार विल ओवरटेक द बस, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का ये इसी का ही पार्ट है ना, तो डिस्टेंस का फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ लिखा हुआ है 2u² / a, ठीक है। तो पहले यानी जो पिछली जो एंटी टेस्ट थी, जो स्टूडेंट मेरे पास पिछली एंटी टेस्ट पढ़ के गए हैं
उनको मैं ऐसे इक्वेशन की मदद से समझाता था तो उनको थोड़ा इशू होता था। तो आज मैंने क्या किया है, बैठ के कुछ फार्मूलेज बना लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएं। 2u स्क्वायर, तो u की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, u कितना था 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 100 मीटर इस सिग्नल से 100 मीटर की दूरी पे ये कार जो है इस बस को ओवरटेक करेगी। अब तीसरा पार्ट क्या है, व्हेन कार ओवरटेक द बस इट्स स्पीड इज, यानी जब कार बस को ओवरटेक करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो मैंने बताया है 2u, u कितना है भाई, u 10 है तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20। तो इस तरीके से ये तीन पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। तो इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जो पिछले पेपर्स में आए थे या जो आने वाले हैं वो तकरीबन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आप पहले इनको नोट करें तो फिर वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीटेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मोशन अंडर ग्रेविटी या इसको फ्री फॉल मोशन कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है, तो फ्री फॉल मोशन को अभी हम समझेंगे। तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी देन सच टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ा सा समझें, यह मार्कर है, इस मार्कर से अगर मैं हाथ निकालूंगा तो ये मार्कर जो है वो नीचे जाएगी। अगर इस मार्कर पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा जिस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटी, तो मैं इस मार्कर के मोशन को कहूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी, पर मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसको मैं कहूंगा फ्री फॉल मोशन। पर अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करूंगा तो फिर मैं इस मोशन को फ्री फॉल मोशन नहीं कह सकता। याद रखिएगा, फ्री फॉल मोशन में सिर्फ बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी। बात मेरी समझ में आ रही है? दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जब फ्री फॉल मोशन होता है तो बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाती है। अब वेटलेस का मतलब समझते हो, मतलब बॉडी का जो अपेरेंट वेट होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब भी बॉडी फ्री फॉल होती है तो बॉडी का अपेरेंट वेट जो होता है वो जीरो होता है। नो डाउट इस पे अर्थ का फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है जिसको हम ग्रेविटी कह रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखें ये स्प्रिंग है और ये बॉडी इसके साथ अटैच है। जैसे स्प्रिंग बैलेंस होता है तो इस स्प्रिंग बैलेंस से हमें पता चलेगा कि इस बॉडी का वेट कितना है। अगर इस बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन ज़्यादा आएगा, अगर एक्सटेंशन ज़्यादा आएगा तो वो स्केल पे मूवमेंट भी ज़्यादा देगा। यानी इस केस को हम फ्री फॉल नहीं कहेंगे। अब इस केस में क्या है कि हम इस बॉडी का वेट भी मेजर कर सकते हैं, ऊपर हमें स्केल में डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। पर अगर अचानक से ये स्प्रिंग टूट जाए तो आपका ये जो पॉइंटर होगा ये कहां पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन जीरो आएगा। स्प्रिंग में एक्सटेंशन जीरो आएगा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस बॉडी का वेट क्या हो गया है, इस बॉडी का वेट जीरो हो गया है। मतलब हम कहेंगे कि इस बॉडी का वेट जीरो हो गया है क्योंकि हमें इस बॉडी का वेट फील नहीं हो रहा, और जो वेट फील होता है उसको अपेरेंट वेट कहते हैं। अब ये बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी नीचे जाएगी, और ये बॉडी नीचे जाएगी और इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटी का होगा। तो जब ये स्प्रिंग टूट जाएगा तो ये जो बॉडी का मोशन होगा इस मोशन को कहेंगे फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, When a body moves only under the action of gravity, then this type of motion is known as
फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। इस मोशन, ये जो मोशन होता है, इस मोशन में एक चीज कांस्टेंट होती है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। और इस मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है उसको जी से शो करते हैं और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है एंड एक्टिंग एंड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। याद रखिएगा, फ्री फॉल मोशन में बॉडी कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ आती है और इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब, अब देखें, थोड़ी सी बात समझें। अब मेरे पास एक बॉडी है, मैं इस बॉडी को थ्रो कर रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैं इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं तो ये कहलाएगा अपवर्ड मोशन। और ये जो अपवर्ड मोशन होगा, इस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगा, ये तो तय हो चुका है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अब ऊपर होगा। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। तो जैसे ही ये बॉडी ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। पर एक बात याद रखिएगा, जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 9.8 एंड ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बात थी अपवर्ड के लिए, यानी अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी एंड बिकम्स जीरो। कहां पे? एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये बात एक तो तय हो गई। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम, एक्सेलरेशन सेम रहेगी। ठीक है, ये था अपवर्ड मोशन। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड की। तो जब ये बॉडी यहां पे होगी तो यहां से फिर जब ये बॉडी नीचे आएगी, अब इस मोशन को कहेंगे डाउनवर्ड मोशन। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने लगेगा। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने लगेगा, यानी अब हम कहेंगे कि भाई जब डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड जो मोशन होगा इसमें वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड बिकम्स मैक्सिमम व्हेन बिकम्स मैक्सिमम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, यानी वेलोसिटी, जैसे बॉडी नीचे आएगी वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, ग्राउंड से हिट करने से थोड़ा सा पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए है और ये डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब थोड़ी सी बात आप समझें, इसमें भी हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम अपवर्ड मोशन कंसिडर करते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स में जी का वैल्यू माइनस लेते हैं, और जब हम डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करते हैं तो जी का वैल्यू हम प्लस लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। कभी कभी क्या करते हैं, किसी न्यूमेरिकल में जी का वैल्यू 10 भी दिया जाता है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कुछ बातें आपसे डिस्कस करेंगे, आप इस पे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अब मैं आप लोगों को कुछ हिंट दूंगा। अब नंबर वन हिंट क्या है, यहां पे हम बात कर रहे हैं
टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमने बॉडी को थ्रो किस वेलोसिटी के साथ किया है, सपोज करें वी के साथ, तो हाईएस्ट पॉइंट तक वो कितना टाइम लेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट तक वो टाइम लेगा वी अपॉन जी, वी अपॉन जी ये टाइम है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी अगर हम किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो कर रहे हैं और जी का वैल्यू आप 10 ले रहे हैं, तो कितने टाइम में वो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, तो 2 सेकंड में। वी की जगह 2 लिखे यानी 20 लिखेंगे, जी की जगह 10 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, एक फार्मूला ये हुआ। अब कॉमन सेंस से जितना टाइम यहां से यहां तक होगा, यानी जितना टाइम ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक होगा उतना ही टाइम वापस हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक हो गया, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात हम लिखेंगे टोटल टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी रिमेन इन एयर। कॉमन सेंस है, रिमेन इन एयर का मतलब क्या है, ये बॉडी ऊपर गई फिर वापस आ गई, तो ये टोटल जो टाइम है ये बॉडी हमारी एयर में रही है, इसको कभी कभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है। तो ये टाइम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो कॉमन सेंस है, अगर ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड तो नीचे आने के लिए भी 10 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेगी उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2v / g, इसको मैं कैपिटल टी से शो कर देता हूँ, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। बात आ रही है समझ में। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन हमारी बनेगी हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट अटेंडेड, हाईएस्ट पॉइंट अटेंडेड बाय बॉडी, यानी बॉडी ऊपर कितना जाएगी, मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी, तो वो कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा। वो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो उस कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये फार्मूला टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, और ये फार्मूला हाईएस्ट पॉइंट कैलकुलेट करने का है कि हमारी बॉडी कितना ऊपर जा सकती है। ये सारा डिस्कशन किसके लिए था, ये सारा डिस्कशन अपवर्ड के लिए था। अब कुछ इक्वेशन हम डाउनवर्ड के लिए भी डिस्कस करेंगे, तो डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड के लिए कुछ इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो डाउनवर्ड के लिए हम एक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं कि अब डाउनवर्ड में क्या होगा, सपोज करें आपको हाइट दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि भाई एक टावर है, इस टावर की हाइट जो है वो h है, और यहां से हम बॉडी को छोड़ रहे हैं, बताओ कितने सेकंड के बाद वो बॉडी ग्राउंड पे जाके हिट करेगी। तो इसको कहते हैं टाइम टेकन टू रीच दी ग्राउंड, ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब दिया क्या जाएगा हमें, हमें इसकी हाइट दी जाएगी, इसकी हाइट कितनी दी जाएगी, सपोज h, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये टाइम फाइंड करने का फार्मूला होगा 2h अपॉन जी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे 2h अपॉन जी, यानी आपको अगर मैं कहूं एक प्रोजेक्टाइल को मैं 5 मीटर पर सेकंड से, एक एक बॉडी है उसको मैं 5 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप कर रहा हूं, बताओ वो बॉडी ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लेगी, तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे भाई 2 × 5 / 10, तो ये 1 सेकंड लेगी। दूसरा फार्मूला होगा द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड,
द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, लाजमी है जब हम यहां से छोड़ेंगे तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ आके ये स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी, उसका फार्मूला होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। सपोज करें अगर मैं कह रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी है जिसको मैं 5 मीटर हाइट से रिलीज कर रहा हूं, बताओ ग्राउंड पे वो कितनी स्पीड के साथ जाके स्ट्राइक करेगी। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कितना हो जाएगा 100 होगा और 100 का रूट 10। आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड के साथ वो जाके ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन है, लाजमी है आपको बादाम बादाम खाने पड़ेंगे, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। चले अब ये काम हो गया, अब दूसरा काम सुन लें। आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब देखें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी, डिस्टेंस ये फ्री फॉलिंग बॉडी है ना जो भी मैंने बताया, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन nth सेकंड, जैसे हमने बात की थी पहले तो वही बात होगी, फ्री फॉलिंग बॉडी nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसका फार्मूला होगा सेम 1/2g 2n-1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई फ्री फॉलिंग बॉडी nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर। दो बातें हैं, एक बात होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन nth सेकंड, nth मतलब 3rd, 4th, 5th, और दूसरी बात होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग या इन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन टाइम टी। इन टाइम टी मतलब अगर मैं कहूं कि भाई फ्री फॉलिंग बॉडी 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो मतलब मैं टाइम टी की बात कर रहा हूं। पर अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 4th सेकंड, तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा 1/2 gt2। यानी सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपसे पूछूं ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मैं कहूं ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आप ये फार्मूला यूज करेंगे। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आप ये फार्मूला। पर अगर मैं पूछूं ये 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ऊपर वाला फार्मूला। अब देखें एक पूछ रहा हूं 3rd सेकंड और एक पूछ रहा हूं 3 सेकंड, 3 सेकंड और 3rd सेकंड में फर्क है। 3rd सेकंड की बात होगी तो ये फार्मूला, 3 सेकंड की बात होगी तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन आप नोट कर लें तो फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा एक बात और भी होगी, आप जब बुक पढ़ेंगे अपने लाजमी है, कुछ स्टूडेंट को शौक होता है वो जो है मार्केट के MCQs भी देखते हैं। यहाँ पे एक बात हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो है वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी की बात हम करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। पर अब याद रख लें कि हमारी जो अर्थ होती है ना, वहाँ हमारी अर्थ पे हर जगह पे जी का वैल्यू एक जैसा नहीं होता है। वो इस वजह से कि हमारी अर्थ का जो शेप है वो एलिप्टिकल है, यानी सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कम होता है इसको कहते हैं पोल, और ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसको कहते हैं इक्वेटर। पोल और इक्वेटर, हम कहते हैं पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे जी का वैल्यू यानी कम होता है। ये सेंटर ऑफ अर्थ है और सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू ज़ीरो होता है। क्यों होता है ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। दूसरी बात पॉइंट लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेन चैप्टर 6 में करूँगा इंशाल्लाह। इफ अर्थ इंक्रीजेज इट्स रेट ऑफ रोटेशन,
अगर अर्थ अपना रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगी, इंक्रीज मतलब अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 24 आवर्स में साइकिल कंप्लीट हो रही है, पर अगर 24 आवर्स में कंप्लीट ना हो, सपोज 12 आवर्स में कंप्लीट हो, तो इसका मतलब होगा अर्थ ने अपनी रेट ऑफ रोटेशन बढ़ा दिया। जब अर्थ अपनी रेट ऑफ रोटेशन बढ़ा देगी तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर इफ अर्थ स्टॉप्स आर डिक्रीज decreases its rate of rotation, अगर अर्थ अपना रेट ऑफ रोटेशन, अगर अर्थ अपना रोटेशन स्टॉप कर दे या रेट ऑफ रोटेशन डिक्रीज कर दे तो फिर जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, पर यह वेरिएशन कहाँ पर आएंगी? ये वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे आएंगी, पोल पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगी। तो मैं लिख लेता हूँ, ओनली ऑब्जर्व्ड एट इक्वेटर, नो इफेक्ट ऑन पोल। क्यों? मैं यहाँ पे ही बात क्लियर कर लेता हूँ, ऐसे नहीं कि फिर आप स्क्रीनशॉट इस लेक्चर का निकाल के मुझसे पूछें, सर आपने ये तो बताया है कि ऐसा, पर आपने रीज़न नहीं बताया। तो रीज़न मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में बताऊंगा, जो ग्रेविटेशन हमारा चैप्टर है उसमें मैं इसके रीज़न आपको बताऊंगा। पर मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी बेचेज में कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो हो सकता है आपको MCQ सॉल्व कर रहे हों, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हों, तो फॉर योर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो आप इनको नोट कर दें। इनके रीज़न मैं चैप्टर नंबर 6 में बताऊँगा, तो ये आप पूरा नोट कर लें, तो फिर हम इन पे MCQs करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। विच व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड देन, तो मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, बाकी उसकी एक्सेलरेशन सेम होती है। तो इसका ऑप्शन होगा इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसकी एक्सेलरेशन वही की वही रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी इज जीरो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है पोल पे। If Earth increases its rate of rotation, अगर Earth अपना rate of rotation बढ़ा दे, then value of G at pole, सबसे पहले देखना है पूछ कहाँ पे रहे हैं। Pole पे आपको पता है rotation of Earth की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो pole पे हम कहेंगे value same रहेगा, पर अगर equator की बात होती तो फिर हम decrease करते। अब ये numericals हैं, ये देख लें। A stone is thrown vertically upward at the speed of, स्पीड कितनी दी गई है 30 meter per second। Find the time taken by stone to reach the highest point, तो ये मैंने upward motion में बताया था, time to reach the highest point का formula V upon G है, तो 30 divided by 10, तो 3 seconds लेगा highest point तक जाने के लिए। A stone is thrown vertically upward at the speed of 20 meter per second, find how high it will go, कितना ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने का फार्मूला क्या था, H is equal to V square upon 2G, तो V square 20 का स्क्वायर करेंगे, 2 multiplied by 10, तो 2 multiplied by 10 क्या बनेगा 20, इसका मतलब है ये कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी रिजल्ट कितना आएगा 20। उसके बाद देखें, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर विच इज 20 meter high, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है और आपको हाइट दी गई है, तो मैंने बताया था स्पीड फाइंड करने का फार्मूला होता है 2GH अंडर रूट में, जी का वैल्यू 10, हाइट कितनी 20, 400 का रूट कितना आएगा 20, तो इसका ऑप्शन बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, ये 2-3 मरतबा रिपीट भी हो चुका है,
A coin is released from the top of building if it takes 5 seconds to reach the ground. Find the highest point. Highest point यानि height. तो मैंने बताया था टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों को. टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? 2h अपॉन g. ये फार्मूला था. अब यहाँ से अगर आप थोड़े से ट्रिकी हो जाएं और आप यहाँ से टाइम की कैलकुलेशन करें तो आप कर सकते हैं. टाइम आपको चाहिए, टाइम मिला हुआ है कितना? 5. हाइट आपको कैलकुलेट करनी है. जी का वैल्यू 10 है. आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें तो ये 25 हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 250. 2h तो h बराबर होगा 250 डिवाइडेड बाय 2, 125. देखें ये फार्मूले कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सपोज़ कुछ स्टूडेंट, जैसे आपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा, डाउनवर्ड मोशन में हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं और टाइम हमें मिला हुआ है, हाइट हमें फाइंड करनी है और डाउनवर्ड मोशन में जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है. तो आप थर्ड इक्वेशन से भी, सेकंड इक्वेशन से भी काम चला सकते हैं. सेकंड इक्वेशन क्या है? वी आई टी 1/2 जी टी स्क्वायर. ये तो ज़ीरो हो जाएगी. एच आपको चाहिए 1/2, जी का वैल्यू 10, 5 का स्क्वायर. तो ये 5 हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाइड बाई 125 हो जाएगा. तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. लाजमी नहीं है कि आप फार्मूला याद रखें. पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं अगर मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे ट्रिक्स नहीं मिल रहे. तो ट्रिक्स की बेसिस पे आप ये फार्मूला देख लें. तो इसका राइट ऑप्शन ए हो गया और ये पेपर में रिपीट हो चुका है. फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड्स एंड 4th सेकंड. 3 सेकंड मैंने कहा था कोई भी टाइम होगा उसका फार्मूला ये होगा, और जब nth सेकंड की बात होगी तो उसका फार्मूला ये होगा. तो ये कैंसिल हो गया. ऊपर कौन से टाइम की बात हो रही थी? 3. तो आप 3 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे. और नीचे 4th की बात हो रही थी तो इनका वैल्यू 4 रखेंगे. 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा. तो 9:7 इसका मतलब है ऑप्शन ए होगा. तो आज क्योंकि हम आज के लिए इतना ही है. इंशाल्लाह फिर कल मोशन अंडर ग्रेविटी के थोड़े से और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. फिर आगे जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करते जाएंगे. तो आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप मेरे साथ चलें, हर लेक्चर को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट भी कर लें, फार्मूलेज को भी नोट कर लें, साथ ही साथ प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व करने की कोशिश करें. अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें. बाकी कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. प्रैक्टिस शीट मेरी सॉल्व करें, टेक्स्ट बुक पढ़ें. और अगर आप जैसे ही चैप्टर आगे चलते जाएं तो हो सके तो आप डाउ ग्रेड्स के जो पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लें. तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.